हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू खरी बात विद राहुल चौधरी। मैं हूं अजनीश कुमार। राहुल जी, खरी बात में आपका स्वागत है। थैंक यू राहुल जी। बलात्कार जैसी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर आपकी खरी बात क्या है? देखिए, एक तो जैसे मैंने पहले कहा था, कानून का सख्ती से और जल्दी से पालन होना चाहिए। इस मामलों में फैसला जल्दी आना चाहिए, वो तो ज़रूरी है ही है। कुछ समाज के जिम्मे भी जिम्मेवारी पड़ती है। देखिए, जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, अब उसको फिर समाज जब ये कहने लग जाए कि वो वहाँ गलत जगह पे क्यों गई, उसको वहाँ उस टाइम नहीं निकलने चाहिए था, या कम कपड़े पहन के क्यों जाती हैं, इस तरह के बयान आके तो कसूरवार जब समाज लड़की को बनाने लग जाता है तो वहाँ वो गलत है। ये एक मेंटेलिटी समाज को अपनी बदलनी होगी। वो एक शिकार है एक हादसे की। एक्सीडेंट भी होते हैं गाड़ियों के, किसी और के भी चोट भी लगती है। उसको ऐसे लेना चाहिए, उसका हौसला अफजाई करना चाहिए कि उसका कोई कसूर नहीं था, कसूर उसका है। तो उसका एक फायदा तो ये होगा, लड़कियां रिपोर्टिंग जल्दी करेंगी। रिपोर्ट क्यों नहीं करती? सिर्फ के समाज में रुसवाई होगी, वो इस बदनामी को या अपने साथ हुए जुल्म को इसलिए जहर का घूंट समझ के पी जाती है कि समाज तुम्हारा है, अब उनका ही मजाक बनाएगा या उनको ही दोषी समझेगा। जब समाज ऐसा नहीं सोचेगा तो रिपोर्टिंग होगी। और जो बलात्कारी है वो बलात्कार क्यों करता है? इतने सख्त कानून होने के बाद जो अब बना, जिसमें पता है कि उम्र भर बाहर नहीं निकलेगा, फांसी भी हो सकती है, क्यों? उसकी सोच ये है कि लड़कियां रिपोर्ट नहीं करेंगी। रिपोर्ट नहीं करती, ये सोच उनको ऐसा काम करने पर उकसाती है। जब रिपोर्टिंग होने लग जाएंगी, समाज जब उनको दोषी नहीं मानेगा, रिपोर्टिंग होंगी और कानून धड़ाधड़ फैसले करेगा, तो नेचुरली है कि ऐसे इनकी इनका हौसला नहीं बढ़ेगा, हिम्मत टूटेगी और ऐसे केस ऐसे हादसे होने बंद हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद राहुल जी। वेलकम। खरी बात के आज के इस अंक पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करें। यदि खरी बात का आज का अंक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अन्य विषयों पर खरी बात जानने के लिए खरी बात को आज ही सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय।